हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है और आज हमारा टॉपिक जो है काफ़ी डिमांडेड मुद्दे पे है कि आईफोन 7 क्या हमको 2019 में लेना चाहिए या नहीं। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। आईफोन 7 2000 में रिलीज़ हुआ एक आईफोन है, एक फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि काफ़ी मॉडर्न और अच्छे डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुआ था। आईफोन 7 के अंदर एक आपको प्रीमियम एल्युमिनियम का 7000 सीरीज़ के एल्युमिनियम का डिज़ाइन मिलता है, बेंड वगैरह होने का कोई चांस नहीं। और यहाँ पर अगर आप एंटीना लाइंस को देखते हैं तो आईफोन 6s जो सीरीज़ है उसके मुकाबले यहाँ पे एंटीना लाइन को थोड़ा सा छोटा किया गया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, जिसकी वजह से लुक जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आईफोन 5s या आईफोन SE जैसा पुराना लुक वाला आईफोन नहीं है, एक मॉडर्न लुकिंग आईफोन है। बिल्कुल आज के जो आईफोन 10 वाले सीरीज़ के फ़ोन्स हैं उस तरीके का मॉडर्न लुक यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला आईफोन है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इसकी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी है। और ये चमचमाता हुआ एप्पल का लोगो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। फॉर्म फैक्टर की अगर बात करें तो फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 4.7 इंचेस का एक LCD डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको 3D टच भी मिलता है, जो कि बहुत यूज़फुल फीचर है। और ये डिस्प्ले की वजह से ये फ़ोन का जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी छोटा है, वन हैंडेड यूजेज के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और डिस्प्ले साइज़ इतना भी छोटा नहीं जैसे कि आईफोन SE में आपको देखने को मिलता है, उतना छोटा डिस्प्ले साइज़ नहीं होने की वजह से आप मीडिया कंजम्पशन भी अच्छे से कर सकते हो और छोटे से छोटे पॉकेट में भी ईजिली ये चला जाएगा। और काफ़ी स्लिम प्रोफाइल होने की वजह से इसका जो साइज़ है काफ़ी मैनेजेबल रहता है, चाहे आप इसको पॉकेट में रखें या चाहे आप इसको अपनी पर्स में रखें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 4.7 इंच का जो डिस्प्ले है, इसमें 3D टच का ऑप्शन है, यानी कि इस तरीके से आप इस पर 3D टच कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें जो है आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी क्विकली आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3D टच ऑलवेज जो है एक बेटर ऑप्शन है, जो हैप्टिक टच अभी आईफोन XR वगैरह में आया है उसके मुकाबले 3D टच जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। कैमराज के बारे में अगर बता दूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 7 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी अच्छा अपग्रेड है आईफोन 6s सीरीज़ के ऊपर, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन रियर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही है जो आज के आईफोन्स में भी आता है। लेकिन कैमरा का सेंसर का क्वालिटी जो है वेरी होते रहता है फ़ोन टू फ़ोन, लेकिन जो इसका रियर कैमरा है वो एक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा है, तो काफ़ी अच्छी और स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ये कैमरा से मिल सकती है। और आईफोन के कैमरा जो होते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलते रहता हूं। तो कैमरा के सेटिंग्स में जाके मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, 4K 30 FPS तक ये फ़ोन जो है शूट कर सकता है, 1080p 60 FPS यानी कि सुपर स्मूथ जो है आपको एक फुटेज दे सकता है हायर रेजोल्यूशन पे, और साथ ही साथ जो है स्लो मोशन रिकॉर्डिंग जो है 720p एट 240 FPS और 1080p एट 120 FPS कर सकता है, तो काफ़ी कैपेबल कैमरा है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी आप जो है फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन ये ऑप्शन होता है। के अंदर जो चिप आपको मिलता है वो है एप्पल का अपना A10 फ्यूजन चिप सेट, जो कि एप्पल के आईफोन SE और 6S और 6S प्लस सीरीज़ वगैरह जो भी है उसके A9 CPU से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आपने अगर मेरा एप्पल आईफोन SE वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M20 वाला वीडियो नहीं देखा स्पीड टेस्ट वाला, तो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना केपेबल है A9 प्रोसेसर आज के ज़माने के हिसाब से भी। और यहाँ पे जो एप्पल का A10 फ्यूजन चिप सेट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी है, तो आपको लाइफ भी इसकी बैटरी छोटी होने के बावजूद डिसेंट बैटरी लाइफ आपको आपका आईफोन 7 दे सकता है। और क्योंकि इसके अंदर एप्पल का A10 फ्यूजन चिपसेट है, तो अभी बहुत सारे जो रूमर्स चल रहे हैं कि आईफोन SE और आईफोन 6S वगैरह सीरीज के अंदर iOS 13 नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल आएगा, 5S और 6 को ही मुझे खतरा लगता है, लेकिन वो रूमर वो लीक या वो जो डेंजर है वो आईफोन 7 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो आईफोन 7 के अंदर कंफर्म आपको iOS 13 आने वाला है, तो एक लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आईफोन 7 को आने वाले कुछ सालों तक अपडेट मिलता रहेगा। इसी के साथ आता हूं मैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको पता है सारे आईफोन्स के अंदर सिमिलर सॉफ्टवेयर रन करता है, चाहे वो आईफोन XS मैक्स हो या फिर आपका आईफोन 6 हो या फिर आईफोन 5S क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको बॉटम स्वाइप करेंगे तो ऐसे ही कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा सारे आईफोन्स के अंदर, तो iOS है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सुपर स्मूथ सुपर अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर इसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट जो है आपको आईफोन्स में ही मिलता है। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के ऊपर, तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है सभी आईफोन्स का। आईफोन 5S के अंदर भी PUBG जैसा गेम बहुत ही सुपर स्मूथ चलता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा आईफोन SE वर्सेस गैलेक्सी M20 वाला स्पीड टेस्ट आप देख सकते हो कितना फास्ट जो है आईफोन SE है,
उस आज के ज़माने के एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले। तो आईफोन 7 में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की बात है, बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। आप हैवी से हैवी एप्लीकेशन जो है इसमें ओपन कर सकते हो, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से उसको स्मूथली चला सकते हैं। साथ ही आपको रैम मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा मिलता है आईफोन्स के अंदर। इस आईफोन 7 के अंदर आपको मिलता है 2GB का रैम, लेकिन ये एंड्रॉयड के 4GB या 6GB रैम का मुकाबला आराम से कर सकता है। चाहे जितने एप्लीकेशन आप ओपन कर ले बैकग्राउंड में, आराम से ये उसको जो है मेमोरी में रख सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क रिसेप्शन की, वाईफाई की, वोल्टी की। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। एयर ड्रॉप का भी ऑप्शन है जिसमें आप आईफोन से आईफोन सुपर स्मूथ तरीके से बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और किसी और एंड्रॉयड वगैरह को करना है तो शेयर इट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इस फोन में नहीं आता, काफी अच्छा और रिलायबल फोन है। और जियो यूजर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि ये फोन जो है बिल्कुल वोल्टी सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो कोई भी आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जो है डेटा ऑन किए बिना भी इसमें कॉलिंग हो सकती है जियो वोल्टी पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बैटरी लाइफ के बारे में बता देता हूं। सभी जो छोटे आईफोन्स होते हैं, छोटे आईफोन से मेरा मतलब है जिनका साइज जो है, जिनका फॉर्म फैक्टर छोटा होता है, उनमें बैटरी लाइफ का थोड़ा इशू होता है, बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती है। जबकि जो बड़े वाले आईफोन्स होते हैं 6s+, 7+ वगैरह, इसमें बैटरी लाइफ काफी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे आईफोन 7 में आपको डिसेंट बैटरी लाइफ मिल जाती है, इतनी अच्छी भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आईफोन 6s के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट है वो थोड़ा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एप्पल का जो A9 CPU है जो 6s वगैरह में आता है उसके मुकाबले। तो A10 चिपसेट की वजह से यहाँ पे आपको ठीक ठाक बैटरी लाइफ मिल जाती है। दोस्तों कुछ बातें हैं आईफोन 7 के अंदर जो उसको पुराने वाले आईफोन से अलग बनाती है। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो बटन है वो एक कैपेसिटिव बटन है, वो एक्चुअली एक फिजिकल बटन नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो बॉटम में कोई भी हेडफोन जैक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस साइड में जो है इन्होंने हैप्टिक इंजन नाम का एक पार्ट डाला है जो आपको एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन वाला हैप्टिक फीडबैक देता है, जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, कोई भी दूसरे फ़ोन पर आपको ये महसूस नहीं होता। जिन आईफोन्स के अंदर टैप्टिक इंजन है उसके अंदर वो वाइब्रेशन वाली फील जो है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही प्रीमियम फील करवाती है। बॉटम में इन्होंने जो है हेडफोन जैक तो निकाल दिया, लेकिन आईफोन 7 सीरीज के अंदर इन्होंने दिया है डुअल स्पीकर का सेटअप, तो काफ़ी लाउड और काफ़ी अच्छा सेटअप है। एक स्पीकर जो है आपके ईयर पीस में है और दूसरा स्पीकर जो है बॉटम साइड में है। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का टच आईडी है जो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी सिक्योर है, तो सिक्योरिटी के मामले में आईफोन हमेशा से अच्छा रहा है, तो यहाँ पे भी उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। iPhone 7 आता है IP67 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ, जो कि आपको OnePlus 6T में भी नहीं मिलता। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, क्या आपको 2019 के अंदर iPhone 7 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए जिसका जो नए का प्राइस है 32GB वाला मॉडल ही इजीली अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसका प्राइस जो है सेल वगैरह में 34,000 से 35,000 के करीब आता है। ब्रांड न्यू सील पे अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखेंगे तो कल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहां से बाय करना चाहते हैं। उस केस में 32GB वाला मुझे थोड़ा सा जो है महंगा लगता है, लेकिन अगर आप 32GB स्टोरेज के साथ कंफर्टेबल है तो आप जरूर इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप यूज्ड मोबाइल के ऑप्शंस चेक कीजिए। अगर आप एक यूज्ड आईफोन 7 128GB वाला या फिर 32GB वाला भी लेते हैं तो आपको जो है काफी कम प्राइस में वो मिल सकता है, और उस केस में जो है आपका आईफोन 7 काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नया लेना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली आज आपको लगेगा कि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं आईफोन 7 के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ये फोन जो है काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों क्या सोचते हैं आप, क्या आपको आईफोन 7 2019 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो न्यू लेना चाहिए या फिर सेकंड हैंड या फिर यूज लेना चाहिए, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और कोई वीडियो अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।